चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? भारत का क्या है इतिहास? इतिहास में कौन सा? हम लोग तीन युग देखे थे। हम लोग मैं बताया था एक वीडियो बना है मेरा, इसमें आएगा प्राचीन, आएगा मध्यकालीन, आएगा भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमको क्या देखना है? प्राचीन भारत का इतिहास। अभी आज शुरुआत करेंगे। पहला है इसमें प्राचीन, तीन भाग में से पहला प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। किसका देखेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे क्या है। इसमें ये पढ़ना क्या है, ये इसमें प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक है? आपका है प्रागैतिहासिक काल, इसमें आता है प्रागैतिहासिक काल आता है इसमें, आदितिहासिक काल, और है एक ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। तो प्राग, हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को आज देखेंगे। ये वाला जो चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे, ये लगभग है आपका 2,50,000 ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व से आपका यह लगभग है 1,000 ईसा पूर्व तक, 1,000 ईसा पूर्व था। यह सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आएगा। और यह बाकी इतिहास का जो चैप्टर है 1,000 ईस्वी तक है, वो ईसा पूर्व है और ईस्वी तक और होता है। मतलब हमको पहले जाना है, पीछे जाना है। इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हमको अभी वर्तमान काल से, हमको अभी 2020 चल रहा है, 2022, वहाँ से हमको पीछे जाना है 2,000 साल पीछे। फिर उसके बाद ये तो कितना लिखा हूँ, 2,50,000 साल पहले जाना, वहाँ से एक अंदाजा माना गया है। कोई कंफर्म नहीं है कि वहाँ होता है उस टाइमिंग का था, क्योंकि ये लिखी सच में नहीं है। प्रागैतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आएगा। फिर आपका ऐतिहासिक काल वैदिक काल, आगरिक वैदिक काल उसमें आएंगे। रामायण काल का आएगा, जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे, ये सारे किसमें आएंगे? ऐतिहासिक काल में आएंगे। तो आज हम सिंपल इसमें देखेंगे पहला वाला, प्रागैतिहासिक काल से 2,50,000 से लगभग आपका 1,000 ईसा पूर्व तक अनुमानित, कंफर्म नहीं है कि इतने ही रेट में हुआ है। चलिए इनको मिटाते हैं और शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक में तीन भाग में बटा है, ये कितने भाग में बटा है? तीन भाग है इसके। तो कौन कौन से हैं तीन भाग, देखिए इसमें। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहीं से प्रसारित होता है। देखिए तीन भाग कौन कौन से हैं इसके, देखिए तीन भाग में बटा है। ऐसे एक कॉलम बनाइए, पहला है देखिए इसका है, उसी के अंदर आएगा तीन भाग में, पूर्व पाषाण का। क्या? पूर्व पाषाण। क्या है? पूर्व पाषाण का। क्या लिख रहा हूँ? पूर्व पाषाण का। सेकेंड है यह, इधर है देखिए मध्य पाषाण काल। क्या लिखा हूँ? मध्य पाषाण काल। फिर आपका तीसरा है उत्तर पाषाण काल। क्या लिखा हूँ? उत्तर पाषाण काल। ये तीन भाग में बटा है, कौन सा बटा है? प्रागैतिहासिक काल ये बटा हुआ है। अब इसको देखिए, पहला को देखिए, पहला है ये आपका, दूसरा ये क्या है? उत्तर पाषाण काल आपका तीसरा। यहीं से देखिए, यहीं से प्रारंभ होगा। देखिए पूर्व पाषाण काल का डेट आप देखेंगे तो 2,50,000 से ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व ना, बीसी, इसको बोलते हैं बीसी, ईसा पूर्व है। यहाँ से लेकर आपका ये लगभग होगा आपका 2,500 के करीब। इसका कोई डेट लिखित नहीं है, आप स्टार्टिंग कहाँ से हुआ ये बस याद रखिए। इसमें पूर्व पाषाण का
इसमें क्या होता है, पूर्व पाषाण काल में पुराने जमाने जो आदिम जीवन जीवन जीते थे, जो मनुष्य है आदिम जीवन व्यतीत करता था जंगलों के आसपास के क्षेत्र में निवास करता था आदि मानव के रूप में। यहाँ क्या करते थे पूर्व पाषाण काल में, आदि मानव के रूप में निवास करते थे, रहते थे मतलब, और उसी टाइप का जीवन जीते थे। इसमें जो पत्थर से और औजार बनाते थे, क्या बनाते थे, पत्थर से ये औजार बनाते थे। इनका भोजन पानी कहाँ से होता था, भोजन शिकार करके अपना भोजन पेट भरते थे, शिकार करके क्या पेट भरते थे, और आखेट कर करके ये अपना भोजन उजन करते थे, इधर उधर पेड़ पर पौधे वौधे से ये अपना भरण पोषण करते थे, आदि मानव जीवन जीते थे, जंगलों के बीच रहते थे, और ये पत्थर के औजार के इस्तेमाल करते थे। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग, उदाहरण है इसमें जो हमारे भारत में है, मध्य प्रदेश में आता है भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ आदि मानव का जीवन जीते थे, और उसका प्रमाण मिला है भीमबेटका से। चलिए नीचे आते हैं, मध्य पाषाण काल जब युग हुआ, इसका डेट उट कंफर्म नहीं है, आप इसमें ये बता रहे हैं इसमें क्या होता था। मध्य पाषाण काल में ये जो पत्थर के औजार थे, इसमें पूर्व पाषाण काल, ये आपका थोड़ा छोटे आकार के पत्थर से औजार बनाते थे, पत्थर से औजार बनाते थे, औजार बनाते, जिसको बोलते माइक्रोलिथ बोलते थे। क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ बोलते थे, क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ उसका नाम था, जो छोटे आकार के मध्य पाषाण काल में इसका इस्तेमाल करते थे। इसका उदाहरण है मेहरगढ़, क्या उस उदाहरण है मेहरगढ़ को आप देख सकते हैं, इसमें जाके आप लोग, वहाँ है आपका मेहरगढ़, ये है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में।